Great. Today we'll be starting with morphology of stem. Ready guys? कल मैंने आप लोग को कुछ roots के नाम दिए थे, types दिए थे, an extra additional modification. Did you search for that? Did you get the information about it? You forgot? I gave you the ये समरी में मैंने आपको बताया था, याद है? नोड्यूलस रूट, मोनोली फॉर्म रूट एंड एन्यूलेटेड रूट, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, पूछा भी था आपसे, सॉरी मैंने आपसे ये भी कहा था दैट यू हैव टू सर्च थ्रू अ पर्टिकुलर वेबसाइट विच आई हैव गिवन इट टू यू. आपने सर्च किया, इसको स्टडी किया, हैव यू सॉ देयर स्ट्रक्चर एंड दिस वॉज एन एक्सटिंक्ट स्पीशीज. ये तो एक्सटिंक्ट है, तो इसके बारे में तो और अच्छे से आपको स्टडी करना है. You didn't see the root varieties, but chalo. Root ke varieties, root ka structure nahi dekha inka. You forgot? Are, koi kuch to bolo. I mean, you are scared as if, oh my god, I have not done it. Bolo, I mean, kiya, nahi kiya. Are, sorry, kyun bolne ka? That's just an additional information. That is for you, that you search and you see and you observe and you keep the structure in your mind. मैंने तो ऑलरेडी दे दिया है यहाँ पे एग्जाम्पल्स, बट इसके स्ट्रक्चर्स मैंने आपको नहीं दिखाया, तो वो देखने के लिए मैंने आपसे कहा था. सो एवरीवन प्लीज डू इट टुडे इटसेल्फ, ओके? क्योंकि कल आज आपको वो सॉल्व करना है डीपीपी, तो काम आएगा ना, लाइक हाउ दीज स्ट्रक्चर्स, हाउ दीज रूट्स दे आर लुक, हाउ दे लुक लाइक, यू शुड नो इट, राइट? कैसे दिखते ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है? आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो कोई नहीं. All right, let's see morphology of stem. Ready, guys? ठीक है? Yes, miss. चलो. Yes, miss. Okay. Stem. It is the aerial part of the plant body. Yani ki ascending part. As I told you, root is the descending part. Okay. आप है ना इसके points बार बार root के साथ compare करना, क्योंकि आपको पता चलेगा कितना difference है दोनों में. ओके, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इनके ऑपोजिट है, ठीक है? रूट के और शूट के, तो सिंस आपने रूट के तो पॉइंट्स लिखे, तो आप उसके साथ कंपेयर कर सकते हो. लाइक वी हैव रिटन दैट रूट इज अ डिसेंडिंग पार्ट, देन व्हाट इज शूट? इट इज द असेंडिंग पार्ट, इट इज द एरियल पार्ट, राइट? एंड द मेन एक्सिस ऑफ द शूट सिस्टम इज कॉल्ड स्टेम. द मेन एक्सिस ऑफ द शूट सिस्टम इज कॉल्ड स्टेम, एंड दिस मेन एक्सिस इट बेयर्स लॉट ऑफ अदर पार्ट्स. लाइक the main axis stem, it has many other parts like branches, leaves, flowers and fruits. Okay, so all these variety of parts are attached to a common main axis which is called as stem. All right, as I said, it is the ascending part, and it is an ascending part which is developing from the plumule. Aur humne root mein kya likha tha? It is developing from radical. Exactly. Radical. So basically, बच्चा लो, जब हम लोग seed को soil के अंदर sow करते हैं, when you sow the seeds, please pay attention. All these points are connected with all the plant chapters. Okay. अब यहाँ पे मैं आपको seed के बारे में बता रहा हूँ. This you are going to study even in the plant growth and development के chapter में. तो कुछ कुछ points ना आपको हमेशा के लिए याद रखना है, because it's interconnected. So when you sow a seed inside the soil. सीड जब जर्मिनेट होता है, व्हेन इट जर्मिनेट्स, इट फर्स्ट प्रोड्यूस रेडिकल. व्हाट डिड आई से? पहले प्लांट का रूट सिस्टम तैयार होगा, उसके बाद शूट सिस्टम तैयार होगा, बिकॉज रूट इज गोइंग टू गिव द सपोर्ट टू द शूट, राइट? विदाउट द सपोर्ट शूट इज नॉट गोइंग टू डेवलप. सो रूट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द रेडिकल, एंड द स्मॉल शूट विच इज कमिंग आउट, द ग्रीन छोटे से प्यारे से छोटे छोटे लीव्स, दैट इज कमिंग आउट, दैट इज कॉल्ड प्लिम्यूल. So suppose if I draw a seed over here, okay, और मैं आपको इसका suppose मैं आपको ये बताऊँ कि किस तरह से germinate हो रहा है. तो ये देखो, ये नीचे की तरफ मैं ऐसे radical produce किया, and there's lot of root system which is produced from this radical. Okay, ये enlarge होके grow होते जा रहा है, and on the other side and in the opposite side above the soil there is a small plumule which is coming out. ये देखिए. Can you see this? Yeah. There you go. ठीक है?
अब ये चीज अबाव के मतलब सॉइल के ऊपर आता है. तो सपोज माय ब्लैक लाइन इज रिप्रेजेंटिंग सॉइल. सो इफ यू सी प्लिम्यूल इज कमिंग ऑन टॉप ऑफ द सॉइल, लाइक इट इज कमिंग, इट इज पुशिंग द सॉइल पार्टिकल एंड इट इज कमिंग आउट. द प्लिम्यूल इज पुशिंग द सॉइल पार्टिकल एंड इट इज कमिंग आउट. ओके, एंड द सीड रिमेन्स इन साइड द सॉइल. नाउ दिस प्लिम्यूल व्हेन इट ग्रोज इवेंचुअली, ओके, इट विल बिकम बिगर. एंड इट विल ग्रो फर्दर. तो अब ये जो है यहां पर इस स्टेज में ना, द सीड साइज इज क्वाइट स्मॉल. यू कैन सी मैं सीड को श्रिंक होते हुए दिखा रही हूं. सी द सीड इज क्वाइट श्रिंक इन अ श्रिंक फॉर्म, क्योंकि सीड का साइज रिड्यूस होते जाएगा और रेडिकल तो और ज्यादा डीपली ग्रो होके बहुत अच्छे से रूट सिस्टम तैयार करेगा. सी दिस राइट. So even the roots are growing in a depth and even the shoot is also growing. Ab ye jo stage hai, this stage is called plimule and this stage is called seedling. Aapko identify karne ko aana chahiye, ye plimule hai with the two embryonic leaves, with the two embryonic leaves. Yes, the leaves which are coming out of the seed are called embryonic leaves kyunki embryo se developed hue hai. And now when that plimule grows further and further with in response to the sunlight, because zahir si baat hai plimule bahut acche se sunlight ko matlab basically plimule is sensitive to sunlight, but since it is getting the sunlight and its chlorophyll pigment is developing, so growth bhi uska fast hoga. Remember, shoot ka growth is all depend upon the sunlight. Agar plimule ko sunlight achhi tarike se mil raha hai to uska growth fast hoga. Lekin agar plimule नाइट टाइम पे ग्रो हो रहा है, हेलो, मेनी अ टाइम्स ऐसा होता है कि प्लिम्यूल रात के वक्त बाहर निकलता है, ओके, दैट इज डॉन टाइम पे, ओके, डॉन या सॉरी डस्की या डॉन टाइम पे जर्मिनेट होते हैं, बाहर निकलते हैं, तभी तो सनलाइट नहीं होता है, या मिडनाइट में भी बाहर निकलते हैं. तो उन प्लांट्स का डेवलपमेंट ना बहुत स्लो हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा, बिकॉज उनको नेक्स्ट डे मिल रहा है सनलाइट, तो उतना गैप आ जाता है, मतलब उनका ग्रोथ उतना स्लो हो जाता है. लेकिन जैसे ही प्लिम्यूल को सनलाइट मिलता है उनका ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाता है एंड इट प्रोड्यूस अ बेबी प्लांट विच इज कॉल्ड सीडलिंग. ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड बेबी प्लांट. इसको हम बोलते हैं बेबी प्लांट. प्लिम्यूल को बेबी प्लांट नहीं कहते हैं, सीडलिंग को हम बेबी प्लांट कहते हैं. ओके, नाउ दिस बेबी प्लांट विल ग्रो इन टू अ प्रॉपर मेच्योर प्लांट एंड देन द मेच्योर प्लांट विल डिसाइड कि क्या उसको ट्री में कन्वर्ट होना है कि नहीं होना है. सो गाइज, ये आपके लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रही हूँ, दैट प्लांट्स ना दो तरीके का ग्रोथ दिखाता है. वन इज सीड टू प्लांट विच इज मेच्योर. ऑफकोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट मेच्योर प्लांट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यंग और बेबी प्लांट. तो ये हो जाता है प्राइमरी ग्रोथ. ठीक है, ये हो जाता है प्राइमरी ग्रोथ विच ऑल द प्लांट्स शोज, ऑल श्रब्स, हर्ब्स, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, जो प्लांट्स बोलो सारे प्लांट्स प्राइमरी ग्रोथ तो दिखाएंगे ही. ओके, अब सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, व्हेन द प्लांट इज यू नो कन्वर्टिंग इनटू अ ट्री, ओके, अ प्रॉपर ट्री, देन दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ. ये अभी से समझने की कोशिश कर लो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प अस, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड द एनाटॉमी ऑफ मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, वेयर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ. तो याद रखना, सीड टू प्लांट इज प्राइमरी ग्रोथ एंड प्लांट टू ट्री इज सेकेंडरी ग्रोथ. अब सारे प्लांट्स ट्री में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ये बात आप भी याद रखना. Okay, all the plants, they do not turn themselves into tree. So secondary growth is shown by only selected plants. Okay, they are shown by only selected plants. Is that clear? Okay, chalo. Yes, ma'am. Haan, toh abhi main ye rub kar rahi hoon. I'm rubbing this. You need to take it simultaneously with me, so that my time is not wasted. Ho gaya bachcha log? Okay, thank you. Yes. So now you understood what is plimule, the seed, the embryonic axis, the upper axis of the embryo which is developing the plimule. It grows by the means of terminal bud. Yani ki embryo mein embryonic axis, the upper axis of the embryo is having a terminal bud. The upper axis of an embryo has terminal bud, and this terminal bud give rise to the
plumule. Stem bear leaves and reproductive structures. You can see there's a short, there's a small diagram which is representing over here the shoot system. You can see this. So, yahan pe aap dekh sakte ho, the stem has many leaves and it also has a reproductive structure which is called flower. Reproductive structure kya hote? Flower. And both these leaves and reproductive structures are produced on a nodes. I mean, they are born at the nodes. And that's why stem is very well differentiated into nodes and internodes. Guys, stem is very well differentiated into nodes and internodes. Okay? Chalo, yahi pe bata deti hu. Ye jo point hai, isko hum kehte hai nodes. Theek hai? This is the second point, nodes. Now, the distance between the two nodes is called as internodes. Don't worry. स्टेम का डायग्राम आने वाला है, ये तो जस्ट एक ऐसे ही कार्टून पिक्चर यहाँ पे डाल के रखा हुआ, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड सम ऑफ द थिंग्स. सो बेसिकली नोडल रीजन क्या होता है? नोडल रीजन इज अ रीजन जहाँ पे मेरिस्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रॉम वेयर न्यू न्यू प्लांट्स एंड न्यू फ्लावर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड. एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स और द पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी बिटवीन द टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड, जहाँ पे सारे परमानेंट इश्यूज होते हैं. सो रिमेंबर वन थिंग, nodal region have dividing cells, okay, and internode region have permanent cells. Bas aise likh ke rakhoge na to bhi aapke liye bahut easy ho jayegi points ko samajhne ke liye. Yeah, nodal region mein dividing cells hote hai, that's why nodal region se branches या लीव्स, ब्रांचेस वैसे बार बार नहीं आते, ब्रांचेस एक बार ग्रो हो गए तो मतलब दे रिमेन फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, बट लीव्स, छोटे प्लांट्स के लीव्स हर बार फॉल होते हैं तो दे प्रोड्यूस न्यू न्यू लीव्स. फ्लावर्स, फ्लावर्स का रिप्रोडक्शन होके फ्रूट टर्न हो जाता है एंड फ्रूट दे फॉल ऑफ, यू नो फ्रूट हैज अ नेचुरल यू नो नेचुरल प्रोसेस ऑफ फॉलिंग ऑफ सो दैट द सीड कैन बी डिस्पर्स्ड एंड दे कैन जर्मिनेट. तो अब वहां से जो फ्रूट नीचे गिर गया, वहां से वही नोडल रीजन से, वही नोडल पॉइंट से नया फ्लावर अराइज होगा. सो बेसिकली ऑल द न्यू पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अपेंडेजेस ऑफ द प्लांट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द नोडल रीजन. And internode contains permanent cells, so यहाँ से कोई भी part arise नहीं होगा, right? Okay. अब next point आपके लिए बहुत important है. These are positively phototrophic. Stem are positively phototrophic. Stem, the main shoot, and the branches all are positively phototrophic. That means towards the sunlight they will grow. जो कि मैंने आपको अभी बता दिया कि seed के germination के वक्त plumule कैसे respond करता है sunlight को, है ना? प्लिम्यूल जितना फास्ट रिस्पॉन्ड करेगा सनलाइट को उतना फास्ट वो ग्रो होगा. सो बेसिकली फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लिम्यूल सनलाइट इज अ मेजर फैक्टर. दैट क्लियरली एक्सप्लेन अस दैट द शूट इज रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली टू द सनलाइट. या एंड द मेन पर्पस ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द सनलाइट इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट. राइट डाउन द मेन रीजन for responding the for sorry the main reason for responding to the sunlight or the major reason for the major reason for the sunlight as a main factor is that sunlight helps to develop the chlorophyll pigment inside the leaves. Yes, chlorophyll pigment develop hoga, chloroplast develop hoga, utna hi fast photosynthesis karenge plants and utni hi tezi se, utni hi fast way mein wo grow bhi honge. The rate of growth is, yes, it is purely based on a major factor, that is sunlight. Growth of shoot, not the root. Second, negatively geotropic. Yes, they are growing against the gravity, against the soil, okay? And that's why to hold such a huge plant, root is acting as an anchorage. And negatively hydrotropic, of course, they are not the one who are going to absorb the water, okay? So they are growing against the water also. Water upar pahunchane ka kaam kiska hai? Xylem ka. So root is absorbing the water and it has been sent to the upper parts of the plant via xylem, but shoot absorb nahi karte water. Ye baat aap samajh lo, that's why it is negatively hydrotropic. What does it bear? It bears many buds. Okay, बहुत सारे buds होते हैं, but the two major type of buds are terminal buds and axillary buds. चल, let me explain you what are terminal buds and axillary buds. Terminal buds are the buds which are present at the tip, right? Like for example, suppose मैंने यहाँ पे एक shoot draw किया है, ये देखो, यहाँ पे एक shoot draw किया मैंने. ठीक है,
okay, see this. Yeah, see this beautiful shoot that I have drawn. ठीक है. Now let me show you the position, because हम लोग buds को है ना identify करते on the basis of their position. उनका जहां पे position होता है ना उसके हिसाब से उनका नाम रखा हुआ है. Now terminal buds are these. These are called terminal buds, यानी कि apical bud. Yes, terminal bud यानी कि apical bud, the one which are present at the tip of the stem. Now do I have to tell you what is the importance of this bud? Can anyone tell me? Position dekhkar hi bata do. What is the importance of this bud? Helps in growth. What is the importance of this bud? I didn't hear anyone. It grows continuously, or else it is mainly for increasing the length of the stem. Can I say that? Mainly to increase the length or the height of the plant. Can I say that? Yes, the growth of the stem is done lengthwise by the apical bud. Exactly. Perfect. Bola aapne. Correct. Abhi, apical bud clear hua. Any doubt? Acha. प्लांट्स ब्रांचेस भी प्रोड्यूस करते हैं ना. प्लांट्स ब्रांचेस भी प्रोड्यूस करते हैं, चाहे छोटे हो या बड़े हो, ब्रांचेस तो प्रोड्यूस करते ही है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लीफ प्रोड्यूस कर सके. राइट. इवन द ब्रांचेस हैव टर्मिनल बड्स. जो स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक है वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी? ब्रांचेस की. जो स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक्स है वही ब्रांचेस की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी. फर्क सिर्फ इतना है, स्टेम मेन पार्ट है, मेन एक्सिस है, और ब्रांचेस जो है वो सेकेंडरी और टर्शियरी एक्सिस है. सिंपल एज दैट. तो अगर मेन स्टेम को अपाइकल बड है टू इंक्रीज अ लेंथ ऑफ दी और हाइट ऑफ द प्लांट, तो ब्रांचेस को भी अपाइकल बड होते हैं टू वाइडन देयर स्ट्रक्चर. मतलब कि वो जितना ज्यादा वाइड होंगे, जितना ज्यादा वो ग्रो होंगे, उतने लीव्स को वो सपोर्ट कर पाएंगे. बट रिमेंबर वन थिंग, ब्रांचेस की अपनी एक लिमिटेशन है. मतलब इवन दो ब्रांचेस डू हैव अपाइकल बड, दे कैन नॉट स्ट्रेच मच. मतलब वो ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाते हैं. बिकॉज एक पैटर्न होता है प्लांट का ग्रो होने का. देर इज अ पैटर्न टू ग्रो द प्लांट्स. लाइक लिसन टू मी वेरी केयरफुली. हम जब भी नॉर्मली प्लांट्स को देखते हैं, आप किसी भी नॉर्मल प्लांट्स को देखो, आप एक चीज नोटिस किए होंगे, नीचे के जो ब्रांचेस होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं एंड ऊपर के जो ब्रांचेस होते हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं. हैव यू नोटिस दिस? वेदर इट इज अ रोज प्लांट या एक छोटा सा तुलसी प्लांट हो या एक बड़ा सा ट्री ले लो, कोई भी प्लांट्स को आप कंपेयर करो, आपको ये एक कॉमन पैटर्न देखने मिलेगा. दैट मींस प्लांट दे वेरी वेल नो टू रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द ब्रांचेस एंड दिस रेगुलेशन इज डन बाय द हार्मोन्स. कि कितने ब्रांचेस को ज्यादा बड़ा करना है और कितने ब्रांचेस को छोटे रखने, दैट द प्लांट नोज वेरी वेल. बिकॉज अल्टीमेटली ये सारा का सारा वेट किसके ऊपर जा रहा है? रूट पे जा रहा है. आप समझ रहे हो? तो अगर आप ये समझ रहे हो कि ब्रांचेस को भी अपाइकल बड होते हैं तो दे कैन ऑल्सो एक्सटेंड हाउ मच दे वॉन्ट टू. नो, इवन द मेन स्टेम इज हैविंग अपाइकल बड, लेकिन हर एक प्लांट का अपना अपना एक हाइट है. ओके, एंड दिस हाइट इज बिकॉज ऑफ द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स. यानी कि हर एक प्लांट स्पीशीज के जीन्स के मुताबिक उनकी हाइट जो है वो डेवलप की जाती है. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes. Okay. Now the second buds are axillary buds. मैं axillary bud यहाँ पे ये देखिए. See this. Where I am drawing, ध्यान से देखो. Yeah. Where I am drawing, see this. Between the two axes, दो axes के बीच में, यानी कि main stem और लीफ की जो डंडी होती है वो दो एक्सिस के बीच में जो बड आता है, दैट बड इज कॉल्ड एक्सिलरी बड. सो एक्सिलरी बड इज मेनली फॉर प्रोड्यूसिंग लीफ. इट्स अ लीफ बड. वो लीफ प्रोड्यूस करता है, यानी कि जब पुराना लीफ, ओल्ड लीफ गिर जाता है ना, तब तक तो वो एक्सिलरी बड आ भी जाता है. आर यू गेटिंग इट? व्हेन द लीफ इज वेरी वेल डेवलप्ड एंड व्हेन इट स्टार्ट्स कैरिंग आउट इट्स फंक्शन, दैट इज फोटोसिंथेसिस, तब तक प्लांट दूसरा नया छोटा सा एक्सिलरी बड वहां पे ग्रो कर लेता है. बिकॉज प्लांट नोस कि लीफ का लाइफ स्पैन कितना है, हार्डली 8 to 10 days, एंड देन द लीफ इज गोइंग टू फॉल डाउन. गेटिंग इट? तो जब पता है कि लीफ वहां से गिर जाएगा,
this axillary bud will immediately open up into the new leaf and will continue with its photosynthesis. So that plant is not in a major loss. प्लांट को लॉस नहीं होना चाहिए. प्लांट के लिए तो एक लीफ भी शेड करना उसके लिए बहुत बड़ी बात है. इट्स अ मेजर लॉस फॉर द प्लांट. इवन वन लीफ इज शेड बाय द प्लांट, इट इज अ मेजर लॉस. तो इमेजिन करो पूरे दिन में वो कितने लीफ शेड करते ही रहते हैं. तो इसीलिए बार बार नए लीफ प्रोड्यूस करना पड़ता है टू मेंटेन द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस. इज दैट क्लियर? तो ये दो मेन बड्स हर एक प्लांट में आपको देखने मिलेगा. ओके, आई एम रबिंग दिस गाइस. Now, next point is at the nodes, it produces dissimilar organs, that is leaves, flowers, which is then eventually developing into the fruit, and similar organs, that is branches. Yani ki stem se milta is just like the stem, there are similar structure which are produced at the nodes, that is branches. And dissimilar organs which are produced are leaves and flowers. Exogenously. Hello. What is the meaning of exogenously? Not produced from outside. From the outside surface. Produced outside. वो तो है ही, किरण. वो तो है ही. लेकिन अभी मैं आपको stem का explain कर रही थी. आपने देखा ना, every parts are arising from the buds. वो अंदर से नहीं अराइज हो रहे. गाइस प्लीज लिसन टू दिस, गाइस प्लीज लिसन टू दिस. कोई भी प्लांट, हाँ ये देखो, ये सपोज ये स्टेम है, ये इसके ब्रांचेस है, ठीक है. These are leaves. अब branches कहाँ से produce हो रहे? देखो, nodal region से. And leaf भी कहाँ से produce हो रहे? Nodal region. So yellow what I am marking is a nodal region. See, all these are nodal region. Right? तो main stem के nodal region में से branches produce होते हैं, which is similar to the main stem. And even leaves are also produced, flowers are also produced. But all these parts are produced from nodal region. राइट, एंड वो भी थ्रू बड्स, यानी कि टर्मिनल बड तो आपने पता कर लिया, अपाइकल बड. एक्सिलरी बड विल गिव राइज टू लीव्स, राइट. फ्लोरल बड विल गिव राइज टू फ्लावर्स, फ्लोरल बड गिव राइज टू फ्लावर्स, राइट. देन लैटरल बड गिव राइज टू ब्रांचेस, लैटरल बड गिव राइज टू ब्रांचेस. मतलब देखो, कोई भी पार्ट मेन स्टेम के अंदर से नहीं आ रहे. मेन स्टेम पहले बड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड देन दोस बड्स आर ग्रोइंग इनटू द फर्दर पार्ट. देखा आपने, इसको कहते हैं एक्सोजीनस. मैम, हाँ, ब्रांचेस के लिए नोड्स की क्या जरूरत है? सेम ही इशू है ना मेन स्टेम से. ब्रांचेस के लिए बड्स की जरूरत है, बिकॉज इट हैज टू, व्हाट डिड आई से, इट हैज टू रेगुलेट द नंबर ऑफ ब्रांचेस इन इट. वरना तो हर नोड्स पे से ब्रांचेस आ जाएंगे. जरूरी नहीं कि वो हर एक नोड से ब्रांचेस ही प्रोड्यूस करें. कुछ नोड से वो ब्रांचेस प्रोड्यूस करते हैं, तो कुछ नोड से वो लीव्स भी प्रोड्यूस करते हैं. दे हैव टू बैलेंस देयर बॉडी. ओके, दे कांट जस्ट एवरी टाइम प्रोड्यूस एक्स्ट्रा ब्रांचेस, एंड दैट्स व्हाई इवन द ब्रांचेस आर प्रोड्यूस्ड बाय द बड्स. यानी कि ब्रांच को भी डेवलप करने के लिए वो बड के फॉर्म में बनाता है. सो दैट बड को ओपन करना है कि नहीं करना है, वो प्लांट के ऊपर डिपेंड रहेगा. ओके, एंड दैट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स ऑफ द प्लांट. यस, इवन द प्लांट्स प्रोड्यूस हार्मोन्स. Getting it? नहीं समझा? Plants nodes पे, listen to this. Plant nodes पे अलग 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 type के buds produce करेगा. Okay? Lateral buds, floral buds, leaf buds, that is axillary buds और apical bud तो है ही. अब चार bud तो मैंने यहाँ पे दिखा दिए. लेकिन इस buds को open करना है कि नहीं करना है? That is all depend upon the plants. And how do they regulate the opening of the buds? By the formation or by the production of hormones. Are you getting it? तो जो buds open नहीं होंगे, आप उसके बारे में सोच रहे हो ना, कि suppose अगर कुछ buds open नहीं किए plants ने, तो उसका क्या होगा? No problem.
those birds will either fall off without opening or they will use it for storage of food. Wo plant dekhega. All these things are decided by the plant. Are you understanding? Hello? Yes, Mohammed? Yes, ma'am. Komal? Arusha? Yes, ma'am. Diksha, Hiya, Simran? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Shreya Yadav? Pari? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Ye buds ka point bahut important hai. Please, zara dhyan se sunna. Isliye main bol rahi hoon. इसलिए मैंने पूछा वापस से. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोजीनस? पहले तो आप मुझे इसका मीनिंग बताओ. एक्सोजीनसली का मतलब होता है डेवलप फ्रॉम द बड्स. ऑल द पार्ट्स आर डेवलप फ्रॉम द बड्स. और हर एक पार्ट के लिए बड्स भी प्रेजेंट है. ऐसा नहीं कि बड्स प्रेजेंट नहीं है. हर एक पार्ट के लिए बड्स प्रेजेंट है. यू गॉट दैट? यस. ओके. Last but not the least, stem is green in color. Initially, stem ka color green hota hai. And even they are also capable enough to perform the photosynthesis. But then as and when they grow mature, the stem color changes into, basically the stem is then externally covered with the tissue that protects the stem from the external environmental condition, that is the bark. Okay, so bark se fir wo covered ho jate hai. Yani ki scaly leaves se wo, dry scaly leaves se wo covered ho jate hai. Everyone, done? Structure study karte hain. Let's study the structure. Guys, here is a diagram. Sab dhyan se dekhenge, please. Okay. This is a terminal bud. You can see. So basically, terminal bud is considered to be the, which bud? Apical bud. Right? And apical bud is responsible for increasing the height of the plant. Okay? Now, can everyone see the axillary bud? Can everyone see axillary bud? It is between the two axes. ये देखो, ये एक axis है और main stem जो है वो दूसरा axis है. दो axis के बीच में ये bud आ रहा है. That's why it is called axillary bud. Okay? And this give rise to leaves. Yes, give rise to leaf. Okay. Now, nodal region dikh raha hai aapko. Yahan pe nodal region. See, this, it is marked. This is a nodal region. All these are the nodal region. Jahan se leaf produced ho raha hai. Can you see that? So, what is nodal region? What is nodal region? The region which is bearing leaves or branches at the regular interval on the stem is called nodes. Yes. So what are nodes? What are nodes? Yes. Region. Region on main stem. Region on main stem. Bears leaves or branches at regular intervals. Now, when I say regular intervals, iska matlab kya hota hai? At a proper distance, like at regular distance pe ye nodes present hai. Yeah, regular intervals. So region on main stem bears leaves or branches at regular intervals are called nodes. And what does a nodal region have? Meristematic cells. Meristematic cells, which are dividing cells. So ab internodes kya hoga, guys? Internodes dekho mere diagram mein kahan pe mark kiya hua internodes. Here is the internode. Can you see? Do nodes ke beech ka region hai. So what is internode? Internode is a part of stem between the two nodes. Can I say this? Between two nodes. Can I say this? Yeah. And this internode region has permanent tissues. Permanent tissues which does not divide, which has lost the ability of division, but they do carry out function. Yani ki they give proper support, mechanical strength to the plant body. All right? They give proper support and mechanical strength to the plant body. So, wo hum log tissues ke topic mein kar lenge.
ठीक है ओके और क्या दिख रहा है आपको और क्या दिख रहा है आपको यस कैन एवरीवन सी दिस ओके एवरीवन नोस लीफ लीफ तो आप सबने देख लिया ना कैन यू सी ऑन द स्टेम देर आर माइन्यूट ओपनिंग्स विच आर प्रेजेंट लाइक हल्के से ओपनिंग्स दिखाई दे रहे दीज आर कॉल्ड लेंटिकल्स लेंटिसेल्स या लेंटिकल्स बोलो लेंटिकल्स आर द माइन्यूट पोर्स ओके प्रेजेंट ऑन मैच्योर प्लांट प्रेजेंट ऑन मैच्योर प्लांट एंड दीज आर मेनली फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस ओके एक्सचेंज ऑफ गैसेस ठीक है और क्या दिख रहा है आपको यस कैन यू सी द पिटियोल गाइस कैन यू सी द पिटियोल नाउ व्हाट इज पिटियोल पिटियोल इज द डंडी ऑफ लीफ हम लोग सरल भाषा में कहते हैं इट इज अ डंडी ऑफ लीफ यानी कि बेसिकली लीफ की डंडी लीफ का स्टेम लीफ के स्टेम को हम क्या बुलाते हैं पिटियोल सो वी राइट डाउन स्टेम ऑफ लीफ which rise the leaf outward for absorbing more sunlight यानी कि पिटियोल जो है ना पिटियोल के टिप पे लीफ होता है तो पिटियोल जितना बड़ा होगा उतना लीफ बाहर की तरफ एक्सटेंड करेगा ताकि उसको सनलाइट ज्यादा मिले ठीक है अच्छा और क्या दिख रहा है आपको स्टिप्यूल्स कैन यू सी द स्टिप्यूल्स ये देखिए दीज आर नॉट एक्सिलरी बर्ड हेलो एक्सिलरी बर्ड मैंने दिखा दिया यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पार्ट्स है स्टिप्यूल्स स्टिप्यूल्स दिखाई दे रहा है आपको दीज आर एक्स्ट्रा पार्ट अब ये स्टिप्यूल्स क्या होता है सम ऑफ देम से दीज आर थॉर्न्स एक्चुअली लोग है ना कंफ्यूज हो जाते हैं थॉर्न्स और स्टिप्यूल्स को लेके बट मैं आपको बता दूं कभी कभी प्लांट मैंने क्या कहा था कभी कभी प्लांट बहुत सारे एक्स्ट्रा बड्स प्रोड्यूस करते हैं प्लांट का तो काम ही है नोडल रीजन का तो काम ही है बड्स को प्रोड्यूस करना अब जो एक्स्ट्रा बड्स होते हैं स्पेशली एक्सिलरी बड स्पेशली एक्सिलरी बड विच आर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस्ड ओके एट द सेम रीजन विल कन्वर्ट इन टू द स्टिप्यूल्स दैट मीन्स स्टिप्यूल इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ axillary bud yani ki some extra axillary bud which are produced at the nodal region will turn into hard pointed structure called stipule yes hard pointed structure not hard but you know very steep and very narrow structure which has a chisel like point that is called stipule aur thorns jo hai na uski size isse choti hoti hai thorns ki size choti hoti hai are you understanding दूर रखते हैं मतलब जब एनिमल्स लीव्स को खाने जाते हैं ना देखो ना बराबर लीव्स और मेन स्टेम के बीच में प्रेजेंट है ना सो व्हेन द एनिमल्स आर ट्राइंग टू ईट द लीव्स ये जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर स्टिप्यूल्स वो उनके मुंह में लग जाता है आई मीन इट गेट्स हर्ट बिकॉज ऑफ द स्टिप्यूल्स द एनिमल्स दे गेट हर्ट इन देयर माउथ मतलब उनके टीथ में या फिर उनके टंग पे उनको लग जाता है एंड सो दे विल मूव अवे फ्रॉम दैट प्लांट सो प्लांट इज बेसिकली प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ फ्रॉम द ग्रेजिंग एनिमल्स बाय प्रोड्यूसिंग दीज एक्स्ट्रा pointed structures thorns to produce karte hi hai but stipules bhi ek extra additional structure hai jisse ki plant grazing animals ko dur rakhte hai theek hai okay ma'am thank you miss yes miss the question from previous slide like there was a point that the stem is negatively hydrotropic right yeah So that means the branches are also negatively hydrotropic. Yeah, yeah, yeah. The entire shoot is negatively hydrotropic. And what about the leaves? All the parts are negatively hydrotropic. अगर main proper shoot ही ऊपर की तरफ grow हो रहा है, तो उसके जो भी parts होंगे वो वैसे ही होंगे ना? If the main stem is negatively hydrotropic, then all the parts will be negatively hydrotropic. और अभी अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर leaves भी hydrotropic है, तो ma'am leaves को water कहाँ से मिल रहा है?
रूट है ना उसको भेज रहा है ना, रूट इज एब्जॉर्बिंग वाटर एंड डिसेंडिंग वाया जाइलम. तो ये जो हाइड्रोट्रॉपिज्म है, हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब होता है रीदा एफिनिटी टूवर्ड्स अ वाटर. क्या लीफ या स्टेम वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्टली? नहीं ना, नहीं ना बेटा, वो वाटर को एब्जॉर्ब करते ही नहीं है. इट इज अ रूट विच इज एब्जॉर्बिंग वाटर, इट इज अ रूट विच इज अट्रैक्टिंग द वाटर. सो जिसकी तरफ एफिनिटी है वो पॉजिटिव है, और जिसकी तरफ एफिनिटी नहीं है वो नेगेटिव हो जाता है. ओके हाँ, मेरे को पता था ये पॉइंट में कंफ्यूजन होगा, इससे मैंने तभी क्लियर कर दिया. एवरीवन डिड यू अंडरस्टैंड द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम? ये जनरल है, मतलब ये मैंने कोई स्पेसिफिक प्लांट को लेके नहीं एक्सप्लेन किया. डन, शुड आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? ओके, बड्स. लेट अस सी व्हाट आर बड्स. बड्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, आर मेन पार्ट ऑफ द शूट. देखा ना आपने, सारे पार्ट्स जो है वो बड्स से ही प्रोड्यूस हो रहे, तो बड्स स्टडी करना बहुत जरूरी है. व्हाट आर बड्स? बड्स आर द कॉम्पैक्ट यंग शूट. Yes, it's a compact young form of a shoot consisting of a condensed stem. You समझ लो, stem जो है वो condensed form में present है in a young shoot, in a compact structure. And these compact structure is overlapped by the young immature leaves. That means it is covered by the young immature leaves. किसी भी buds को देखो वो ऐसे ही होता है. किसी भी बड़ को अगर आप देखोगे, फ्लावर या लीफ या ब्रांचेस के बड़, दे आर ऑल इन अ कंडेंस्ड फॉर्म इन द बड स्टेज विच आर कवर्ड विद द ओवरलैपिंग लीव्स. बट फिर जब यही बड़ ओपन होता है, द लीव्स विल फॉल डाउन जो कवर कर रहे हैं, एंड द बड्स विल ग्रो वॉट एवर देयर पार्ट इज. लाइक इफ इट इज अ लैटरल बड़ इट विल ग्रो इन टू ब्रांच, इफ इट इज एन एक्सिलरी बड़.